नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वेब समाचार। दोस्तों, बेहद ही दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि अब हमारे बीच लोजपा के पूर्व अध्यक्ष रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, लोजपा के जो रामविलास पासवान थे, बेहद ही बिहार के राजनीति में चाणक्य कहे जाते थे। उनके चले जाने से बिहार को एक गहरा घाव पहुँचा। वो काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। आज उन्हीं के संबंध में हम उनकी बातें करेंगे, उनके कुछ जीवन चरितार्थ के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है CPI के वरिष्ठ नेता भरत प्रसाद सिंह, जो उनके बेहद करीबी थे, और उनके बारे में कुछ हम जानते हैं। कि सर, ये बताइए कि रामविलास पासवान बिहार के एक चाणक्य कहे जाते थे, उनके चले जाने से गहरा घाव पहुँचा है। तो ये तो बहुत दुखद समाचार है। उनके चले जाने से हिंदुस्तान के राजनीति में जो कमी हुई है, जो क्षति हुई है, अपूर्णीय है। उनके बारे में हमको जानकारी है कि 1974 के आंदोलन में दलित नेता के रूप में उभरे, और उन्होंने बहुत से दलितों की लड़ाई लड़ी है और बहुत संघर्ष भी किए हैं। साथ ही साथ वे अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। एक साधारण व्यक्ति से उठ करके और हिंदुस्तान के राजनीति में अपना धाक जमाना बहुत ही कठिन काम था। उस समय हुए नेता के रूप में उभरे। उन्होंने गरीबों की बात संसद में उठाया है, और करीब करीब हर सरकार में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो, पुराने जनता पार्टी या भाजपा की सरकार हो, हर सरकार के लोग उनको अपने मंत्रिमंडल में रखते थे। तो ये उनकी एक विशेषता है कि कोई भी सरकार उनको अपने मंत्रिमंडल में रखती थी, और वो एक दलित नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके चले जाने से जो क्षति हुई है, विशेषकर दलित नेता में जो क्षति हुई है, एक अपूर्णीय क्षति है, और पूरा देश जो है शोक की लहर में डूबा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि जो दलित नेता होते हैं, बहुत कम ऐसे दलित नेता हैं। जैसे अगर दलितों के नेता की बात करें तो नए अभी VIP के मुकेश सहनी हैं, फिर उसके बाद हिंदू आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी हैं। लेकिन जो ख्याति और प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी, शायद बिहार के राजनीति में वो कोई और दलित नेता नहीं प्राप्त कर सकता। कैसे देखते? वो बताई तो दिए कि 1974 का जो आंदोलन हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ में, ऐसी परिस्थिति में जो हर कोई राजनीति नहीं कर सकता था, लोग डरे सहमे हुए थे, उस समय एक दलित का नेतृत्व में आना और इमरजेंसी से संघर्ष करना एक बहुत ही हिम्मत वाला काम था। और बहुत लंबी लड़ाई न लड़े हैं ये लोग, तो अभी अभी सब आए हैं, पैदा हुए हैं ये लोग। और बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे तब तो देखा जाएगा कितना ये लोग लड़ाई लड़ते हैं। वो तो लड़ चुके हैं, लंबी लड़ाई लड़े हैं दलितों का, गरीबों का। अभी तो ये लोग नए नए हैं, नए नए उभरे हैं, इनके बारे में अभी क्या कहा जा सकता है? उनके बारे में तो देश की जनता जानती है। जैसे कि कल चिराग पासवान का फेसबुक पर स्टेटमेंट आया था कि अब हमारे बीच पापा हमारे बीच नहीं रहे, पापा आप मेरे साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। क्या लगता है कि जो विरासत, जो नाम उन्होंने कमाया, क्या उनके बेटे वो कर पाएंगे? ऐसा कहा नहीं जा सकता है, समय बताएगा। अगर ये भी संघर्ष करेंगे और दलित की लड़ाई लड़ेंगे तब हो सकते हैं, अगर उससे मुख मोड़ लेंगे तब उतना कहाँ नेम फेम इनका होगा। ये लोग जो हैं, वो जब नेता थे उनके छत्र छाया में नहीं लाए हैं ये लोग, स्वयं नहीं उभरे हैं ये लोग, गरीबी नहीं देखे हैं और न गरीबी से ये लोग जूझते हैं। जब ये लोग जब लड़ाई के मैदान में आए हुए हैं तो देखा जाएगा कितना ये लोग आगे लड़ते हैं, क्या करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ एक है जिसको लोग भूल जाते हैं,
इस पूंजीवाद आज के समय में जो पूंजीवाद बृहत रूप धारण करते हुए जा रहा है और पूंजी एक जगह सेंट्रलाइज हो रही है और छोटे छोटे पूंजीपतियों का भी शोषण हो रहा है और विशेषकर अडानी और अंबानी के पास इस कोरोना काल में भी पूंजी बढ़ता जा रहा है और गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं, लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसी में जातीय तनाव धार्मिक तनाव बढ़ रहा है। अगर चिराग पासवान इन सब समस्याओं से लड़ेंगे और उसे निचार पाएंगे तो हम लोग ये नेम फेम कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कि जब वो पार्टी में आए चिराग पासवान 2005 से लेकर 2010 के बीच में जब लोजपा आरजेडी से गठबंधन की थी उस समय लोजपा मजबूत नहीं थी, लेकिन जब उनके बेटे हैं तो उनके बलबूते और उनके नीतियों के बलबूते देखा जाता था कि उस जब नरेंद्र मोदी की उस समय 2014 में चुनाव लड़े तो उस पर गठबंधन किए और उसी समय से उनके कहा जाता है कि उनके बेटे के बलबूते वो राजनीति का जो मतलब कि वर्चस्व होता है उसी समय से बदल गया और कहा जाता है उसी समय से मंत्रिमंडल का विस्तार होना शुरू हो गया और उसी समय से लोजपा कुछ मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगी थी। देखिए जब 74 का आंदोलन था उसमें उभरे स्थिति दूसरी थी और आज जो है स्थिति दूसरी है। आज जो देश के सामने जो समस्याएं खड़ी है जिसको हमने जिक्र कर दिया, बेरोजगारी, महंगाई, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, ये जो फैला हुआ है, अगर इसके खिलाफ में ये लड़ते हैं तब ना ये आगे बढ़ेंगे, इनको लोग जानेंगे और इनके नेतृत्व का लाभ जनता को मिलेगा और जनता इनको मानेगी। आज यदि इसमें ये सफल नहीं हो पाते हैं तब ये कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। उस समय का जो सामयिक जो समस्या थी उसको लेकर न उलड़ करके नेम फेम कमाए और आज जो परिस्थिति दूसरी है, आज जिन समस्याओं से हमारा देश गुजर रहा है इससे अगर ये लड़ते हैं तब आगे बढ़ जाएंगे, अगर इसे मुंह मोड़ते हैं तो पीछे हट जाएंगे, चले जाएंगे। इनको तो अभी जो राजनीतिक जो क्षेत्र इनको मिला है ये तो विरासत में न मिला है, अभी किए क्या है, अभी विरासत में जो मिला है उस पर ये अपना चल रहे हैं। आगे क्या करते हैं, इन समस्याओं से जूझते हैं कि नहीं, तब न जनता देखेगी और इनको आगे सम्मान देगी, चाहे जो नेम फेम अपना कमाएंगे। देखा जाता है कि अभी हाल फिलहाल में वो NDA से अलग हो गए, उनका मांग था कि मैं 143 सीटों पर लड़ूंगा क्योंकि अब मैं छोटी सीटों पर सीमित रहकर नहीं रहूँगा, अब मुझे अपनी पार्टी का विस्तार करना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। उन्होंने एक योजना लाई थी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम से, उस योजना के तहत बहुत सारे लोग भी जुड़े थे। उनका मानना था कि बिहार का वो चीज़ नहीं मिला है जो शायद कोई भी नेता नहीं दे पाया, जो 15 साल नीतीश कुमार भी रहे थे लेकिन जो उनके काल में नहीं हुआ अब क्या होगा, क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं विकास करने के लिए। अब उन्होंने पार्टी से गठबंधन से तोड़ के अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि इस बार का चुनाव में वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं? अभी ये NDA से पूर्ण रूप से अलग नहीं है, अभी वो जो हैं मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और ये जो बिहार फर्स्ट की जो बात हो रही है, बिहार फर्स्ट की जो बात हो रही है कैसे करेंगे। अभी बिहार में ना कोई कल कारखाना है ना कोई आमदनी का स्रोत है, बिहार तो पैसे की कमी से जूझ रहा है। अभी यहाँ कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, विकास का काम जो है और उधर चल रहा है, तो ये जो पैसा के धन के समस्या से जो बिहार जूझ रहा है इसको ये पूरा कैसे करेंगे। ये इनको अपना एक नीति एक विकल्प देना चाहिए ना कि हम इस तरीके से धन उपलब्ध कराएंगे और बिहार के लोगों को रोज़गार देंगे। इसलिए कि देखिए एक बिहार की बेरोजगारी बड़ी समस्या है,
यहाँ के काफ़ी लोग रोजगार के चक्कर में बिहार से पलायन करके दूसरे दूसरे राज्यों में जा करके अपमानित हो रहे हैं। इसको कैसे दूर करेंगे, कहाँ से कारखाना लगाएंगे? 15 साल लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार राज किए हैं। 30 साल में इन लोगों को कारखाना खोले हैं, एगो सुयू का कारखाना खोले हैं, क्यों नहीं खोले हैं? पैसे की कमी है। और इस समस्या से जहाँ बिहार जूझ रहा है, कैसे बिहार को फर्स्ट या बिहारी को फर्स्ट करेंगे, इनको एक इस पर अपना नीति स्पष्ट करना चाहिए। जैसे कि बात होती है कि अभी पार्टी आपकी महागठबंधन से जुड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है इस बार जो तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे वो कितना विकास कर पाएंगे? क्या वो जो बिहार के युवाओं को बेरोजगार देने की मांग कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि फर्स्ट कैबिनेट में अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख नौकरियाँ दूँगा? देखिए, अभी चुनाव के बाद मैं अपना अथी दे रहा हूँ, अपना माने हम सोच है कि बिहार के बाद राजनीति में बिहार में चुनाव के बाद राजनीति में एक और ध्रुवीकरण होगा चुनाव के बाद, और उसमें कौन कौन पार्टियाँ साथ में आकर के सरकार बनाएगी कहा नहीं जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुमत किसी को मिल जाए, परिस्थिति को देखा जा रहा है। सब लोग अपना अपना पार्टी बना के लड़ रहे हैं, अलग थलग हो रहे हैं। हम लोग गठबंधन में हैं तो सीपीआई महागठबंधन में हम लोग हैं। तो ये जो अभी हमने जो बतलाया कि देश जो है धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद से गुजर रहा है, और जो एक पूरे देश में अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं सब हो रही हैं, और ये जो हिंदू मुसलमान का जो सवाल चल रहा है पूरे देश में, एक कौम को मुसलमानों को PFI की फंडिंग की बात आ रही है 100 करोड़ की, अच्छा बतलाते हैं, लेकिन ये देखिए कि मुसलमान मान लीजिए जो वर्तमान सरकार है और जो पत्रकार जो हैं जिसको कहा जा रहा है गोदी मीडिया, ये लोग ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं कि इस देश का दुश्मन मुसलमान लोग ही हैं, और ऐसा बना करके जो देश में जो धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, इससे जूझने के लिए हम लोग तेजस्वी के साथ गठबंधन बनाने में मजबूर थे, इसलिए हम लोग बनाया है। सीट 10-5 कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन इस समस्या से तो निपटा जाए, पहले सब देश के जनता को एक तो किया जाए, भाईचारा तो स्थापित किया जाए। सबसे भारी सवाल तो भाईचारे की है, जो भाईचारे की जो सवाल है, छत बिछत हो रहा है, आदमी आदमी से संदेह करने घेरे में रखे हुआ है, कोई दूसरे से उस पर संदेह करता है तो उस पर संदेह करता है, सब लोग खुलकर एक में बात नहीं करते हैं, यह स्थिति जो पैदा हुई है इसे तो निपटा जाए, इसीलिए हम लोग महागठबंधन में है। हालांकि हमारी नीति जो है पूंजीवाद के जो खिलाफ है कि पूंजी को केंद्रित न करके विकेंद्रीकरण किया जाए, और जिससे कि और रोजगार की माने सृजन किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, ये जो सारे सवाल हैं महागठबंधन में तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन एक सवाल है जो भाईचारे की जो देश में लागू करना है, ये तो महागठबंधन में आकर के अगर इस सरकार बनती है तो इतना तो कम से कम बिहार में तो इस बात को हम पूरा कर सकते हैं, भाईचारा बना सकते हैं। आखिरी सवाल क्यों रहता हूँ कि जैसे हर पार्टी में दलित महादलित होते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं, लेकिन जो दलित और महादलित होते हैं वो आम आदमी का विकास नहीं कर पाते हैं। वो दलित और महादलित का नेता बोलते हैं लेकिन वो खुद का विकास करते हैं, लेकिन एक आम दलित और एक आम महादलित का विकास नहीं हो पाता, जहाँ है वहीं पर रहकर सिमट गया वो। देखिए, दलित महादलित और उनका ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि पूंजी जो है एक जगह केंद्रित हो रही है, निजीकरण की ओर देश बढ़ रहा है, सारे धन संपत्ति जो है पूंजीपतियों के हाथ में सिमट रहा है, अगर वो जनता में आएगा तब ना किसी का विकास होगा, और रोजगार रहबे नहीं करेगा तो ना दलित को मिलेगा, ना महादलित को मिलेगा, ना दूसरे लोगों को मिलेगा।
हम रोजगार पहले बनाएंगे तब ना कहेंगे कि दलित को इतना उसको उतना, तो ये तो रोजगार ख़त्म हो रहा है। ये निजीकरण में जैसे रेल भी निजीकरण में जा रहा है, उसमें भी जो बहुत लोगों के सिलेक्शन हो गया है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, उसमें नियुक्ति का कोई सवाल ही नहीं है, उसमें रोजगार घट रहा है रेलवे में भी। तो ये जो निजीकरण से जो देश में समस्या पैदा हो रही है, इससे से तो जूझना है। और जब निजीकरण हो जाएगा तो दलित अमादलित को उसमें रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो सवाल तो यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था को हटा करके वहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था लाया जाए जिससे कि सारे लोग को उसमें सुविधा मिले, सब लोग मिल कर रहे हैं, सवाल इसका ना है। ये तो दूसरे तरफ ही देश जा रहा है, अमेरिका की नीति पर जा रहा है। तो इसमें दलित दलित रह जाएगा, महादलित दलित रह जाएगा, आज दलित महादलित के नाम पर राजनीति होता रहेगा, होगा कुछ नहीं। सवाल तो पैसे का है, पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। आ ये धन मुठ्ठी भर लोगों के हाथ में जमा हो रहा है, जब उनसे धन लिया जाएगा तो हम ना देश का विकास हो सकता है, चाहे बिहार का विकास हो सकता है। वही तो बात हम कहे हैं कि चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट या बिहार फर्स्ट कर रहे हैं, पैसा कहाँ से ले आएंगे? सत्ता में आने के बाद हाँ वो कहाँ से ले करेंगे? तो सब पोलावी खीर जो को लोग कहते हैं, ये सब ये जैसे जुमला साबित होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 15-15 लाख रुपया हर आदमी के गरीब के खाता में जाएगा, तो कहाँ गया, कहाँ से पैसा जाएगा? काला धन वापस लाएंगे, ले आए काला धन वापस, तो ये सब जुमला रह जाएगा। और लोग सत्ता में आने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मेन समस्या है कि पूंजी का जो केंद्रीकरण हो रहा है उसको विकेंद्रित किया जाए, जनता में उसको लिया जाए, विकास में खर्चा किया जाए, मेन समस्या यहाँ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। दोस्तों आज हमारे साथ थे सीपीआई के एक वरिष्ठ नेता भरत प्रसाद सिंह, जिनका साफ मानना है कि अगर हमें विकास करनी है तो पूंजी को समेटना होगा। इन्होंने काफ़ी चिराग पासवान के पापा यानी उनके पिता रामविलास पासवान के करीबी ज़िंदगी को बताया, क्योंकि बिहार के वो दिग्गज नेता माने जाते थे, एक चाणक्य माने जाते थे, और एक दलित परिवार से, गरीब परिवार से आकर उन्होंने काफ़ी नाम कमाया था, काफ़ी ख्याति प्राप्त की। कल शाम की उनकी मृत्यु हो गई थी और जिस वजह से बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। दोस्तों आप देख रहे थे वेब समाचार, नमस्कार।